नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में धूमधाम से मनाई गई गीता जयंती। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में गीता जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि सर्वोदय सद्भावना संस्थान के द्वारा रामानुज आश्रम में मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर 5159वीं गीता जयंती धूमधाम से मनाई गई। सुबह से भगवान शालिग्राम का दूध, दही, घी, मधु, शक्कर और गंगाजल से वेद मंत्रों के बीच अभिषेक हुआ, जिसके बाद दोपहर में आचार्य गणों के द्वारा वेद मंत्रों के मध्य श्रीमद् भगवद गीता की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर धर्माचार्य ओम प्रकाश पांडे, अनिरुद्ध रामानुज दास ने आचार्य गणों और ब्राह्मणों को अंग वस्त्र और श्रीमद् भागवत गीता के साथ दक्षिणा प्रदान कर उनका सम्मान करने के बाद में कहा कि आज से 5159 वर्ष पूर्व रविवार के दिन प्रातः 9:20 पर कपिध्वज रथ पर विराजमान नर के अवतार अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह ग्रस्त होकर अवसाद में पड़े थे, तब नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत का संस्कृत में गायन करके उपदेश दिया था। मोह में पड़े अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। प्रतापगढ़ से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। महाराज जी, आज गीता जयंती के उपलक्ष में आपके क्या विचार हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? जय श्री नारायण। आपने बहुत ही समीचीन प्रश्न किया। आज ही के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कपिध्वज रथ पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने मोह में पड़े अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। 5159 वर्ष हो गए। प्रातःकाल दोनों सेनाओं के बीच में 9:20 पर गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं ही परम तत्व हूँ, मेरे अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जो मेरी शरण में आएगा, हम उसे अपने वैकुंठ लोक को ले जाएंगे। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों को प्राप्त होता है, जो प्रेतों की पूजा करेगा वो प्रेत को प्राप्त होगा, लेकिन जो मेरी पूजा करेगा उसे मैं अपने वैकुंठ धाम ले जाऊंगा। कर्म की बहुत विस्तृत व्याख्या किया भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, और जो मेरी शरण में आएगा हम उसे अपने वैकुंठ धाम ले जाएंगे और उसके भार को अपने कंधों पर ढोएंगे। गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, वैष्णव से कोई महान नहीं है, और सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण।